बिसम अस्सलामुअलैकुम जी मैं हूँ इकररा तारीख इकरा तारीख़ इकरा आज आप लोगों के लिए लेकर आई है बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की स्नैक की रेसिपी जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा टिफिन टिफ़न में आप लोग इसीलिए इजीली बनाकर दे सकते हैं इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं तो चलिए फिर इसमें लाए रखा रही यहां पर हमें चाहिए होंगे चार मीडियम साइज के पोटैटो यानी कि आलू अच्छे तरीके से जिसे मैंने उबाल लिया यानी कि बॉईल कर लिया उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से से इस मैश कर लिया यानी कि अच्छे से मैश कर लेना है उसके बाद एक छोटे साइज़ की मेरे पास मौजूद थी शिमला मिर्च जो कि फ्रिज में परे पर सड़ रही थी इसने मैंने सोचा कि इसे, इसे इस्तेमाल कर लिया जाए और उसके बाद मैंने क्या किया थोड़ा सारा धनिया डाल दिया शिमला मिर्च की मैंने कटिंग जो है बिल्कुल फाइन चौप्ट रखी है बहुत ज्यादा भी बरीक नहीं करनी है तो मसालों के कुछ रेचो यहाँ पर हम लोग यूं रखेंगे मतलब मैयर मेट मसाल एक टी स्पून नमक एक स्पू लाल मिर्च का पाउडर आप लोग चाहते हैं इसकी जगह ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि काली मिर्च एक टी स्पून कि हल्दी पाउडर जितने में मसाले डाल रही बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों को बहुत ही अच्छे लगेंगे एक टी स्पून धनिया पाउडर अक्सर बच्चों की शिकायत होती है मिर्ची मिर्ची बहुत ज़्यादा तो इसमें बिल्कुल भी मिर्ची उनको नहीं लगेगी। एक टी स्पून जीरा थोड़ा सा अदरक लहसन का पाउडर जो कि आलू को हजम करने में मदद देता है तो देखिए सिंपल से मसाले हैं जो कि आपको ईजीली आपके घर से मिल जाएंगे कोई भी महंगी चीजें यूज नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ महंगाई बहुत है इसीलिए आप लोग इसे जरूर बनाना इस तरीके से जब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अब आपको बताती हूं इसे क्रिस्पी बनाने के लिए स्नैक को हम इसमें ऐड करेंगे जाता है कॉर्नफ्लर भी बोला जाता है, भी जाता है जो के सूप को ठीक करने के लिए भी यूज होता है पुडिंग वगैरह को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है कॉर्नफ्लावर यहाँ पर मैं 100 ग्राम यूज़ करूँ लेकिन मैं यहाँ पर आपको टेबल स्पून की मेजरिंग भी बता देती हूँ क्योंकि हर किसी के घर में तो मतलब के टेबल स्पून ईजिली होते ही हैं टेन टेबल स्पून आपको इस मेजरिंग में कॉर्नफ्लावर का यूज़ करना है जिससे क्या होगा बहुत ही अच्छी सी इसकी बाउंडिंग होगी एंड बहुत ही ये क्रिस्पी बनेंगे तो अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना है जब आप लोग मिक्स करेंगे आप लोग देखेंगे जो आलू का जो मिक्सर है बहुत ही तरीके से अच्छे से जो है सिमटने लगेगा थोड़ा सा ये हार्ड भी हो जाएगा तो टेन टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर लिया है ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होगी आपको मैं बताती हूँ इसे किस शेप में हमें कन्वर्ट करना है तो उससे पहले आप लोगों को करना होगा फटाफट से अपनी बहन का चैनल सब्सक्राइब ताकि आपकी बहन बहुत बहुत, बहुत ज़बरदस्ती रेसिपीज हमेशा आप लोगों के लिए लाती रहे यहाँ तो पर हाथों को थोड़ा सा और से ग्रीस कर लीजिए ताकि बिल्कुल भी नहीं चिपके वैसे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है क्योंकि इसमें फ्लोर एड है तो यहाँ पर देखिए टेबल स्पून की मेजरिंग से बता रही हूँ ताकि ईजिली बिल्कुल इक्वल शेप के ये बने ऐसा नहीं कोई छोटा बन गया कोई बड़ा बन गया तो इसीलिए तो उसके बाद आप लोगों ने वन टेबल स्पून की मेजरिंग से इस तरीके से इस मिक्सचर को ले लेना है उसके बाद आपने हाथों पर इसे राउंड करते हुए गोल शेप में इस तरीके से बना लेना तो मैंने यहाँ पर गोल शेप में बनाए जो कि ईजी भी रहती है टाइम भी बच जाता है आप चाहे तो किसी और शेप में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए इस मेथड से हमारे जो है ये सत्रह बनेंगे यानी कि सतारा बनेंगे अगर आप बहुत छोटे बना रहे हैं तो बीस या पच्चीस भी बन सकते हैं तो आपको डिपेंड करता है आप लोग कितने साइज के बना रहे हैं अब इसे फ्राई करने का प्रोसेस है चलिए इसे वन बैच में ही फ्राई करेंगे मतलब कि एक साथ ही सारे फ्राई करेंगे तो यहाँ पर पैन ले लिया उसमें ऑयल डाल दिया तो आपको मैं बताती हूँ ऑयल बहुत आपको नहीं पैन में डालना है फुल पैन को नहीं भरना है तो आप इसका टेम्परेचर मैं चेक कर रही हूं ये देखिए जी ऑल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है को गर्म करने के बाद हमें फ्लेम को मीडियम पर रख के इन्हें फ्राई करना है तो सारे इसमें जो ये मजेदार से स्नैक है वो इसमें ऐड कर देंगे उसके बाद इन्हें फ्राई होने देंगे इस पॉइंट पर चम्मच नहीं मारना आपको पैन को ही हल्का हल्का सा हिला देना है चम्मच मारेंगे तो ये टूट भी सकते हैं तो चम्मच आपको जो है इस स्टेज पर मारना जब ये हल्का हल्का सा नीचे चिपक जाए तो इस तरीके से अगर आप नॉन में बना रहे हैं फिर तो बिल्कुल भी नहीं है चिपकेंगे तो यहां पर देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए इनका कलर भी बिल्कुल लाइट गोल्डन सा आ गया क्या करेंगे टिश्यू पर निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाए वैसे ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं जी हाँ तो आप लोग जरूर से ट्राई करना आप खुद बताएंगे बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं तो आप लोग अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो लोग नहीं करते हैं उनका भी शुक्रिया कोई बात नहीं जब दिल करेगा कर देंगे तो देखिए कितना ही आला बना है अंदर से आप लोग चेक कीजिए अलहमदल माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है जुम्हारा मज़ेदार जबरदस्त स्नैक अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो कमेंट कर दो मेरे को एक ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़ टेक केयर एंड बाय बाय